हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है। आप सब ने 11 जेपीएससी का एग्जाम दे दिया होगा और कहीं ना कहीं आप अपने मन में ये सर्च कर रहे होंगे कि आपका जेपीएससी का रिजल्ट कब तक आपका आएगा आपके पास। तो देखिए, ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं देगा जेपीएससी। जितने फर्स्ट एक्शन से वो काम कर रही है, उससे तो यही मालूम चल रहा है कि वो ज़्यादा लेट बिल्कुल नहीं करने वाली है, क्योंकि आपका उसे बहुत जल्द मेन्स एग्जाम भी लेना है। लास्ट टाइम आप देख सकते हैं कि बहुत जल्दी उन्होंने मेन्स एग्जाम ले लिया था। इसलिए जो कैंडिडेट्स को लग रहा है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, तो आप फटाफट मेन्स में लग जाइए। लेकिन इस वीडियो का जो उद्देश्य मेरा ये है कि मैं आपको ये कह दूँ कि अब ये आ सकता है, ये मेरा ओपिनियन है। तो ज्यादा समय नहीं लेगी, विद इन वन वीक के अंदर अंदर आपका सब कुछ आ जाएगा, मतलब आंसर की भी आ जाएगा और एक हफ्ते के अंदर नहीं, इसी महीने, यही महीने के अंदर में आपका प्रीलिम्स का भी रिजल्ट कंफर्म करके वहां आ जाएगा। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है कि मेरा ये ओपिनियन गलत हो, लेकिन ज्यादातर केस जिस तरह से अभी एग्जाम ले रही है जेपीएससी, उन्होंने जिस रफ्तार से एग्जाम लिया उस रफ्तार से तो यही मालूम चलता है कि आपका रिजल्ट आने में ज्यादा समय नहीं होगा। अगर आप सेफ जोन में है, सेफ जोन मेरे अकॉर्डिंग अगर 110 सवाल प्लस अगर आपका है, 110 क्वेश्चन यानी 220 मार्क्स अगर आपका हो रही है कोई भी इंस्टीट्यूट से जो आपने मिलाया, तो आप मेंस पे लग जाइए। आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है कि कब आपका रिजल्ट आएगा, कब वो होगा, वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। वो आयोग का काम है, वो उनके ऊपर आप छोड़ दीजिए। आपका काम है आपको मेंस के लिए रेडी रखना है। और मेंस में अगर लास्ट टाइम का अगर आप कट ऑफ अगर देखते हैं मेंस में, तो 60-65% प्लस, यानी 60-66 के बीच में अगर आपका स्कोर मेंस में आ रहा है, तो आप बहुत ही अच्छा जोन में है, सेफ जोन में। यानी 1050 का जो भी मेंस इंटरव्यू जो एग्जाम होगा, वो मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, वहाँ अगर आप 55-60% अगर आप स्कोर कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी मेरिट लिस्ट पे है। इसलिए 100% में कभी नहीं जाइएगा, 55-60% मान के चलिए, उस हिसाब से अपना स्टडी कीजिए, क्योंकि समय कम है आपके पास। तो हो सकता है कि कुछ कुछ आपको टॉपिक्स पढ़ने में बहुत बहुत दिक्कत होंगे, तो वो सब टॉपिक को एक बार ही आपको देख लेना है और सिलेबस की कॉपी आप हाथ पे रखिए और हर टॉपिक को आपको टच करना है। बस ये मेंटेलिटी रखिए कि हर टॉपिक को मुझे टच करना है और वहाँ एक लॉन्ग आंसर निकाल लेना है और उसमें जो भी एमसीक्यू बन रहा है वो सब अलग करके लिख लेना है और बस उसी को मुझे पढ़ के जाना है। और फुल कॉन्फिडेंट और फुल आपको स्मार्टनेस से आपको एग्जाम मेंस में देना है। तो इसलिए अगर अभी आप ये सोचने में लग गए कि प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा, उसका मेरा कितना मार्क्स बनेगा, तो बहुत लेट हो जाएगी। इससे अच्छा ये है कि अगर आपका देख लीजिए अभी कैलकुलेट करके 110 प्लस अगर आ रहा है, तो चुपचाप बैठ के मेंस में लग जाइएगा। देखिएगा कि ये एडवाइस आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि फिर मेंस जब नज़दीक हो जाएगा, 2-3 हफ्ते में उसको पढ़ना मुश्किल है। इसलिए इससे अच्छा है कि अभी आपके पास जो समय है, मैं मानता हूँ समय कम है, तो उस समय को आप डबल कर सकते हैं ना, आप उसको कर लो डबल। जैसे कि अगर आप 7 घंटा पढ़ाई करते हैं, तो एक्स्ट्रा 1 घंटा और पढ़ाई कर लीजिए आप अपने हिसाब से। आपको टाइम निकालना होगा 1 घंटा एक्स्ट्रा, तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी 2 महीने का समय है, वो 2 महीने का समय आपका एक्सपांड हो जाएगा 3-3 घंटा, क्योंकि 2 महीने अगर आप 7-7 घंटा अगर स्टडी करते हैं, अगर वही अगर आप 8 घंटा अगर करते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं आपका टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो कुछ इस तरह का अप्रोच आपको रखना है, आपको अपने दिमाग से एकदम टफ रहना है और स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, बट स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करने का तरीका बस यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, किस तरह का सवाल पूछ रहे हैं, कौन सा टॉपिक से सवाल पूछ रहे हैं वो देखिए, और प्रीवियस ईयर का जो प्रीलिम्स पेपर जेपीएससी क्या हुआ था वो उसको एक बार देख लीजिएगा, कि वो सब ऑब्जेक्टिव में मेंस में उन लोग पूछ लेते हैं। और अभी का जो प्रीलिम्स आपने दिया उसको भी एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि उसमें से भी ऑब्जेक्टिव में आपका मेंस में उन लोग पूछ देंगे, तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यानी जो जो सवाल आपने पहले देखा है एक बार, वो सवाल फिर से आ सकती है। उसके बाद आप हर टॉपिक का नोट्स बना लीजिए और उसको रट जाइए, हर टॉपिक का नोट्स बनाइए रट जाइए। मतलब मेंस में जितना बढ़िया करेंगे उतना आपको कम स्ट्रेस होगा इंटरव्यू में। इंटरव्यू में अगर मार्क्स थोड़ा सा कम भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका मेंस अगर टाइट है और आपका जो भी ऑप्शनल पेपर है उसको अच्छा से कीजिएगा, मतलब जो भी जिसका जो ऑप्शनल है उस हिसाब से कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जो मैंने रिजल्ट के बारे में जो और एक बार आपको कंक्लूड कर देता हूँ कि रिजल्ट आपका ये इसी मंथ के अंदर में आ जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आप मिला लीजिए कितना आपका आ रहा है, और अगर 110 प्लस आ रहा है, 110 क्वेश्चन प्लस आ रहा है, तो आप मेंस में लग जाइएगा। ये मेरा एडवाइस आप सभी के लिए रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। जय हिंद, जय भारत।